आप लोगों को जानकारी है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें अनियमितता कदाचार के संबंध में जो विभिन्न मामलों में FIR दर्ज FIR को आर्थिक अपराध इकाई के कवर कर रहा है। कुल अभी तक 74 FIR दर्ज हुई और आज तक लगभग 150 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। जो जिले जहां पर ये FIR दर्ज हुई है उसका ब्यौरा आपको बता देता हूं। सारण में 11 FIR हुई हैं, भोजपुर में 10, भागलपुर में 9, नालंदा में 7, नवादा में 6, सहरसा में 5, लखीसराय, पटना में 4-4, रोहतास, मुंगेर, मधेपुरा में 3-3, जहानाबाद, जमुई में 2-2, अरवल, मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगूसराय, शेखपुरा में 1-1। इन सभी मामलों की जांच अब आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम कर रही है, उसकी दिशा में उनके द्वारा कर रही है। सिपाही भर्ती को चल आउट मामले में एक कम्प्लेंस बिहार पुलिस के सिपाही कम्प्लेंस गिरफ्तार किया गया, तो क्या उनका संपर्क इनसे बिहार पुलिस ने पता कर? देखिए, आपको मैंने बता दिया जो FIR हुई है और उसमें 150 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीरता से हम सभी कांडों को ले रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई की पूरी टीम इसमें लगी हुई है और बाकी जिलों से भी हम लोग पदाधिकारियों को इसमें ड्राफ्ट करके टीम बना के इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इसमें अनुसंधान होने दीजिए, जो सारी परतें खुलेंगी सारी बातें सामने आएंगी, उसमें अनुसंधान के बाद जो हम बातें आपको बताएंगे। मैं सारी ब्यौरा आपको नहीं दे पाऊंगा, वो आर्थिक अपराध इकाई में सभी मामले जो भी हैं आपके 150 तो अरेस्टिंग हो गई है, आपके यहाँ 74 FIR, टोटल FIR की जांच के लिए अलग अलग पदाधिकारी अलग अलग रैंक के हैं और इसमें दर्जनों पदाधिकारी लगा दिए गए हैं और टीम बना करके सभी मामलों की जांच की जा रही है और हम लोग लगातार इसको नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में हम लोग नहीं, अभी हम लोग इसमें कुछ उस स्थिति में नहीं है, बता पाने की स्थिति में, लेकिन 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और लगातार हम लोग इसके नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं।